हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अम्ब्रेला बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। मैं आपको इस कपड़े पर अम्ब्रेला बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। हमें तैयार बाजू की लंबाई 17 इंच रखनी है, उस हिसाब से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। तो पहले मैं कोनी तक आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में जो आस्तीन का घेर होता है उसकी कटिंग करूँगी। कोनी तक आस्तीन की कटिंग करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। मैं इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेती हूँ। मैं सिंगल बाजू की कटिंग कर रही हूँ। हमारी कोनी तक बाजू की जो लंबाई है वो 10 इंच है और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ आधी आधी इंच सिलाई में आ जाएगा। तो मैं 11 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम निशान सीधा कर लेंगे। अब मैं बाजू की गोलाई लूँगी। बाजू की जो गोलाई है तैयार 5 इंच है, तो मैं 5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इस तरफ से मैं एक निशान 3 इंच पर लगाऊंगी और इस तरीके से हम निशान सीधा कर लेंगे। हमारी आर्म होल की लंबाई 7.5 इंच है, तो मैं 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी और इस तरफ से हम एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे और हम ये निशान इस तरीके से मिला देंगे। इसमें हम 1-1 इंच मार्जिन ले रहे हैं, तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। इस तरफ से भी हम 1 इंच पर निशान लगा देंगे। आप अपने हिसाब से 1 या 1.5 इंच मार्जिन ले सकती हैं। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे, एक कट हम इधर लगा देंगे। एक कट हम यहाँ लगा देंगे। अब हमारी ये कोनी तक आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब मैं जो आगे का घेर बनता है उसकी कटिंग करना बताऊंगी। बाजू के घेर के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इस पर मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। पहले आपको ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब मैं आपको निशान लगा के बताऊंगी। बाजू की गोलाई हमें 5 इंच रखनी है, तो 5 इंच का आधा 2.5 इंच हम 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम नाप लेंगे, जितना इधर आएगा उतना ही हम बीच में एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम ये निशान लगा देंगे और आधे आधे इंच का मार्जिन देते हुए हम कट कर लेंगे। तैयार आस्तीन मुझे 17 इंच की रखनी है, तो कोनी तक मेरी लंबाई 10 इंच हो चुकी है, तो 7 इंच मुझे और लेनी है। तो मैं 7 इंच इसकी लंबाई रखूँगी और आधे इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि हमारा
अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम 7.5 पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम सारे निशान लगा देंगे और इस तरीके से हम निशान मिला देंगे। अब हम कट कर लेते हैं। देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। खुलने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी और ऐसे हम इसे जोड़ेंगे। हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी एक आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से ही हम दूसरी आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।